हेलो एंड वेलकम, मैं मनीषा, स्वागत है आपका टुडेज साउथ की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली का पीरियड ड्रामा ट्रिपल आर 350 करोड़ रुपए में तैयार हो गया। जी दोस्तों, पौराणिक फिल्म महावीर कर्ण का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और कमल हासन की इंडियन 2 पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जैसे कि कोरोना काल में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और करीब 7 महीने सिनेमा घर बंद रहने से करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका है। कुछ राज्यों में सिनेमा घर 15 अक्टूबर से खुल जाने के बावजूद फिलहाल आर्थिक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नई फिल्में जो है वो सिनेमा घरों में नहीं उतारी जा रही है। क्या दोस्तों, संकट के इस दौर में नई फिल्मों के बजट में कटौती की चर्चा जो है वो काफी समय से चल रही है। फिर भी भारी भरकम बजट वाली फिल्मों की गिनती में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। पिछले कुछ साल से फिल्मों को भव्यता से लैस करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कमर तोड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, इस काल में भी जारी है और नायकन रोजा, दिल से और बॉम्बे बनाने वाले तमिल फिल्मकार मणिरत्नम की नई फिल्म पोन्नियन सेल्वन यानी कि पोन्नी का पुत्र का बजट जो है वो 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इस पीरियड फिल्म से अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जयम रवि और विक्रम जैसे बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। रजनीकांत की 2.0 के बाद यह भारी भरकम बजट वाली अब तक की दूसरी भारतीय फिल्म होगी। जी दोस्तों, 2.0 बनाने में 750 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसी तरह बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली का पीरियड ड्रामा ट्रिपल आर यानी कि रामचरण, एनटीआर, रामाराव जूनियर, आलिया भट्ट 350 करोड़ रुपए में तैयार होगा। जी दोस्तों, हिंदी, तेलुगु और तमिल में बन रही पौराणिक फिल्म महावीर कर्ण का बजट जो है वो 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कमल हासन की इंडियन 2 पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसके कलाकारों में काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह और सिद्धार्थ भी शामिल है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फिल्म न्यूज।